स्थानीय मधुबन होटल में स्वच्छ भारत मिशन गोड्डा के अंतर्गत सुजल एवं स्वच्छ गांव हेतु जिला स्तरीय 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कि आज प्रथम दिन था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए गए उन्नत कार्य के लिए जल सहिया मुखिया एवं स्वच्छताग्रही को सम्मानित किया गया। INC कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सनाउल अंसारी के द्वारा बताया गया कि पूरे कार्यक्रम में प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए बैनर एवं प्लास्टिक युक्त बोतल का उपयोग वर्जित था। प्रशिक्षण के दौरान मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित रखा गया ताकि सहियाओं को अच्छी ढंग से ट्रेनिंग दी जा सके एवं अनुशासन के बारे में जिक्र की गई ताकि अनुशासन में रहकर समाज में अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। कार्यशाला में सुजल एवं स्वच्छ गांव हेतु विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। स्थानीय नगर भवन गोड्डा में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत द्वितीय किस्त वितरण समारोह सह कार्यशाला का आयोजन 23 अक्टूबर दिन बुधवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी उपायुक्त गोड्डा सुनील कुमार, अपर समर्था रंजीत कुमार लाल, जिला कृषि पदाधिकारी एवं उपस्थित कृषक मित्रों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मेहरमा प्रखंड में विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रखंड सभागार के कार्यालय में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान EVM मशीन के इस्तेमाल एवं उनके रखरखाव तथा चुनाव के दौरान उसके सही उपयोग कर उसे चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप वापस सील करने आदि से संबंधित जानकारी दी गई। बैठक में CSC मैनेजर सहित बड़ी संख्या में कर्मी उपस्थित थे। फोटो संवाद सहयोगी पुड़ियाहाट प्रखंड के भेलवा गांव में कृषि विज्ञान केंद्र एवं नाबार्ड के तत्वाधान में निकरा परियोजना अंतर्गत आयोजित 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन बुधवार को किया गया। किसान मेले का उद्घाटन द्रौपद पंचायत के मुखिया राजेंद्र दास, कृषि विज्ञान केंद्र के पदाधिकारियों ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर किसानों को निकरा परियोजना अंतर्गत मिलने वाली सुविधा, बीज, आधुनिकतम तकनीकी मिट्टी, खाद आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। जिन जिन किसानों को 2-3 सालों के अंतर्गत निकरा से लाभ मिला था, उन्होंने अपनी विस्तृत जानकारी अन्य किसानों के साथ साझा की। साइबेरियन पक्षी के शिकारी युवक को भेजा गया जेल। पुड़ियाहाट में बुधवार को पुड़ियाहाट पुलिस ने 12 साइबेरियन पक्षी के शिकारी युवक को जेल भेज दिया है। बता दें कि मंगलवार को प्रखंड के ब्लॉक परिसर में सुगाबथान निवासी मदन हेम्ब्रम पेड़ से साइबेरियन पक्षी का शिकार कर रहे थे, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने 20 सूत्री सदस्य बिमन शाह के जरिए युवक को पकड़कर पुड़ियाहाट पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद पुड़ियाहाट पुलिस ने 12 साइबेरियन पक्षी के साथ युवक को थाना ले गए। इस मामले को लेकर जिला रेंजर श्रीनिवास दुबे ने कहा कि वन प्राणी अधिनियम 2072 के तहत युवक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पक्षी ठंड के दिनों में गोड्डा जिला के कई जगह अपना बसेरा करते हैं। फरवरी मार्च में पक्षी अपने अपने जगह वापस हो जाते हैं। इस मामले को लेकर प्रभारी थाना राजनाथ यादव ने बताया कि साइबेरियन पक्षी के मामले में युवक को जेल भेज दिया गया है। लगभग 400 से 500 किसान सम्मिलित होंगे, मेला है, उससे अधिक किसान सम्मिलित होंगे, वो टेक्नोलॉजी को देखेंगे, इससे फायदा लेंगे। इसके अतिरिक्त वो जब देख के जाएंगे तो किसानों को बताएंगे तो निश्चित रूप से ये 10 टाइम बढ़ेगा, मतलब 5 से 10 हज़ार स्केल तक ये किसान इससे फायदा लेंगे। इस छोटे मेले ये तो बारिश कम हुई है तो हम लोग इसके अंदर में NRM एक्टिविटी होता है, उसके अंदर भी हम लोगों ने काम किया है, जल संचय का काम किया है और वो वाटर हार्वेस्ट हुआ है। वो पानी जो है क्रिटिकल स्टेज जो होता है क्रॉप का, उसमें लोग देंगे लाइफ सेविंग जैसे उपयोग करेंगे। साथ साथ वो सेकंड क्रॉप रबी क्रॉप जो है उसका उपयोग करते हुए वो आगे सिंचाई में काम करेंगे। और इस योजना के अंतर्गत एक कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया गया, इम्प्लीमेंटमेंट बनाया गया है। किसानों को आप देख रहे हैं मेला में लगा हुआ है, इक्विपमेंट दिया गया है और इसको विलेज कमेटी जो है, विलेज रेजिडेंट कमेटी उसको चलाती है, कस्टम हायरिंग करती है, मतलब हायरिंग चार्ज लेती है और मेंटेनेंस करती है। और इससे ये केवल इसी गांव के किसान नहीं बल्कि आसपास के किसान इसको ले जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने उसको रोटरी टिलर दिया है, हार्वेस्टर दिया है, उसके जवाब छिड़कने वाली मशीन दिया है। उज्ज्वला दीदी के साथ जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष ने की बैठक। पुड़ियाहाट प्रखंड अंतर्गत सभागार में बुधवार को जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष राजीव मेहता की अध्यक्षता में उज्ज्वला दीदी के साथ बैठक की गई। बैठक में उज्ज्वला दीदी को दिशा निर्देश दिया गया कि गुरुवार को हष्टिया थाना क्षेत्र के बारीडीह मैदान में उज्ज्वला दीदी का सम्मेलन किया जाएगा, जिसकी मुख्य अतिथि प्रदेश मीडिया प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर एवं महागामा विधायक अशोक भगत उपस्थित होंगे, जहां उज्ज्वला दीदी को सरकार के विकास कार्य की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।